कामयाब होना है तो एक गांठ बांध लो, लेकिन पांव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता पर अधिकार किसी पर नहीं जताता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला लिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं। रास्ते पर बिखरे कांटों से ना डरो, आपके साथ दुआएं बहुत है। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसको जानना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार व्यक्ति तो वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आसियाना बना ले। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यही सभी रास्तों में फिर मिलेंगे। बदल जाती है हर चीज इस संसार में, बस थोड़ा इंतजार करो। किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। ईश्वर कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाए, जिसमें कोई अंगारा भी फेंक दे तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। मुलाकात जरूरी है अगर रिश्ता बचाना है। लगातार भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है, नहीं मिला तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कदर नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए वे नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती है। जो साथ रहकर भी किसी और के हो वो दूर रहे तो ही अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होके सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए उसकी मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। सिर्फ उसी के सामने झुको, वह किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना है, धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना ये बहुत ही बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा उनको भी तो करके दिखाना है। मित्रता भी आवश्यक है और संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यही दर्शाती है कि जीवन में अकेला रहने की कला कितना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ और किससे मिलना है ये ऊपर वाला तय करता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि सुनने वालों पर क्या बीतती है? अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर
आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं मेहनत का फल और समस्याओं का हल देरी से सही पर मिलता जरूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती है, यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता, शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है कल वो आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो, सच बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है उसके हाथ में मानव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। आज के खूबसूरत सफर की शुरुआत तभी होगी जब हम गुजरे हुए कल को अलविदा कहेंगे। अगर कोई नजरअंदाज करे तो उनसे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह और आत्मसम्मान अपनी जगह। रिश्ता ऐसा हो जो हमें मान सके, जो हमारे हर दुख सुख को जान सके, क्रोध के समय रुकना सीखे और गलती के समय झुकना सीखे। डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। कभी कभी हम मुसीबतों में से ऐसे निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उस अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तो वो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे, और दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करे, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करे, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतजार करे। काबिलियत और किरदार जिंदगी में साथ साथ चलते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुँचने की इतनी जल्दी रहती है कि वो छोटे लोगों का साथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना पसंद करते हैं। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नफरत का कोई वजूद नहीं होता, यह तो मोहब्बत के गैर मौजूदगी का नतीजा होता है। सिर्फ एक गलती की देरी है फिर लोग भूल जाएंगे तुम कितने अच्छे थे। मदद लेने तो सब आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वो आपको फल जरूर देंगे। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है परंतु पेड़ को नहीं काट सकती, और कुल्हारी बहुत मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तौलिए। मुसीबत रुई से भरी हुई थैली की तरह होती है, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगा और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर करते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा ना कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते, और बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास ये समस्या है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मान और मुस्कान ये दो शक्तिशाली उपकरण हैं
मौन कई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। बिना मतलब के कोई आपकी कदर भी नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के लोग आपकी इज्जत करें। जो बिना मतलब के बात करें, एक ऐसे शख्स की तलाश जरूर करें जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात करता है। उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देता। छोड़कर जाने वालों ने एक बात सिखाई है कि आने वालों को औकात में रखना। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।